राहुल गांधी जी की बात, युवाओं के लिए वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, खुद की तो यात्रा निकाल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, हमें न्याय कौन दिलाएगा ये बताएं। राहुल गांधी जी पूरे भारत में न्याय यात्रा कर रहे हैं, और जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है वहां युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? और जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत की है, चार चार वर्षों से टेस्ट की तैयारी की, उसके बाद हमने पेपर क्लियर किए, अब रिजल्ट मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सुध भी नहीं ले रहे, अब आप सब कमेटी बना रहे, तो हम लोग बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी हम यहां से अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली तक। सरकार आज पहले हमारी कर्मी कमीशन थी, परंतु पिछले चार दिन से बैठने के बावजूद भी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, जिसलिए आज से हमने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए पिछले चार वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने रिजल्ट की मांग करने के लिए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। प्रदेश के बेरोजगार जहाँ प्रदेश की प्रगति में साथ देना चाहते हैं, वहीं प्रदेश के बेरोजगार को आज आंदोलनरत होना पड़ रहा है, वो किस लिए? अपने अंतिम परिणामों के लिए। जहाँ राहुल गांधी जी पूरे भारत में न्याय यात्रा कर रहे हैं, और जहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है वहाँ युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? जहाँ प्रदेश में कांग्रेस सरकार है उनकी, वहाँ तो उन्हें युवाओं से फीडबैक लेना चाहिए कि क्या आपको न्याय मिल रहा है, ये किस बात की न्याय यात्रा है? और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल भी यहाँ से दो बार गए, उन्होंने एक भी बार हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। आप लोग इतने दूर से आए, हम भी प्रदेश के लोग हैं, हमारे मुखिया है वो, हम हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से दो मिनट भी बात करनी जरूरी नहीं समझी। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम क्या मांग रहे हैं? हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत की है, चार चार वर्षों से टेस्ट की तैयारी की, उसके बाद हमने पेपर क्लियर किए, अब रिजल्ट मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सुध भी नहीं ले रहे। आज हमारा एक अभ्यर्थी जो कांगड़ा से थे वो बीमार हो गए, उनको IGMC रेफर करना पड़ रहा है। यहाँ पे इतनी ठंड में हमारी बहनें बैठी हुई रात भर यहीं काट रहे हैं, ना पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि गरीब परिवारों से बेरोजगार है कहाँ से करेंगे, परंतु उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएं? भूख हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है अब हमारे पास। देखिए सरकार ने तो पहले तो कहा था कि पहले सर्वोच्च न्यायालय में मामला था, सर्वोच्च न्यायालय से हमारे हक में फैसला आया, उसके बाद हाई कोर्ट ने दो बार कहा कि जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, परंतु उसके बाद 11 सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि आपका रिजल्ट को हम जल्द घोषित करने वाले, परंतु उसके बावजूद अब सब कमेटी बनाना ये तो मूर्ख बनाने वाला काम है। देखिए जब आपने पहले की दिया था हम रिजल्ट देने वाले हैं, तो आपने पहले क्लियर नहीं किया था कि किस प्रकार से रिजल्ट देंगे, अब आप सब कमेटी बना रहे, तो हम लोग बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कमेटी ना यहाँ पे किसी को मंजूर नहीं है। 1.5 वर्षों बाद आपको याद आ रहा है कि सब कमेटी बनानी चाहिए थी, इससे पहले आप कहाँ थे? विजिलेंस की जांच में आप रिजल्टों को रोक रहे हैं, जबकि लॉ डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दिया है कि आप क्या बोलते हैं, इन परिणामों को जल्द से जल्द निकाले, जो सीटें होल्ड करनी उनको होल्ड रखे जो दोषी है, परंतु उसके बावजूद इस प्रकार से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जो मेन दोषी थे वो आज जेल से बाहर आ चुके हैं, उनके बच्चे मौज कर रहे हैं, वो लोग भी मौज कर रहे हैं, लेकिन दोषी कौन है? दोषी वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत से टेस्ट क्लियर किए थे। नाम बता देना। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। इतनी सर विपक्ष परिस्थितियों से मेरे ये साथी आए हैं जो साथ में हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे, हमारे पास ना यहाँ खाने के पैसे, हम कैसे कैसे खाना खा रहे हैं, इसलिए हमने अब सोचा है कि हम भूख हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे जब तक सरकार जाग नहीं जाती है। हाँ जी सर, हमने यही बोला कि आपने सब कमेटी बनाई है, सब कमेटी का डिसीजन 2 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है, इस तरह से नहीं है कि आप कमेटी का 1.5 साल में डिसीजन दे। अब हम एक टाइम बाउंड दे दें, तब तक हम यहाँ बैठे हैं, जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन आएगी हम यहाँ से उठ के चले जाएं, हमें शौक नहीं है सर, सारे युवाएं पढ़ने वाले हैं, पिछले 1.5 साल से इनका सर HPSSC बंद है, जो इन्होंने कमीशन था उसको एकदम से बंद कर दिया, एक तरह नायक बन के वो पूरा बंद कर दिया, अब उसका सर कोई नामो निशान है, रिजल्ट कहाँ से आएगा हमें पता नहीं, कभी ये बोलते हैं कि शिमला निकालेगा, 10 बार इन्होंने सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर दी कि मैं रिजल्ट दूंगा, अगर इन्होंने सब कमेटी बनानी थी तो ये पहले डिसाइड कर देते कि हमने सब कमेटी का ही गठन करना है, तो ये सार्वजनिक मंचों से क्यों घोषणा कर रहे थे कि हाँ हम रिजल्ट निकालेंगे? तो ये तो सर जनता को ठगने वाली बात है कि अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो हम जो है एक तरह से इनको रिजल्ट के लिए लोगों को बता दें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। 20,000 नौकरियां बताएं कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, अभी पर बजट सेशन चलेगा उसमें ये दें ब्यौरा कि उन्होंने कितनी पिछले 1 साल में रिक्रूटमेंट करी हैं, चाहे वो हमीरपुर के थ्रू हो वो चाहे वो शिमला के थ्रू हो, मेरे ख्याल से नहीं है सर कि 300 से ऊपर इन्होंने रिक्रूटमेंट करी होंगी, और ये खुद इनकी अगर प्रियंका गांधी का जब इन्होंने रैली करी थी यहाँ, इनका बयान सुनिएगा आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, आज तो सुक्खू जी मुकर रहे हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं, हम उसकी आपको कॉपी भी दे देंगे कि कहाँ पे इन्होंने भी ये सार्वजनिक मंच से इनकी जो मेन लीडर हैं
प्रियंका गांधी जी, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, वो कहाँ है सरकारी नौकरियां, हम पूछना चाहेंगे सुखू जी से। ये तो बोल रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए बोला था, लेकिन प्रियंका गांधी ने 1 साल के लिए बोला है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये बताएं कहाँ पे वो नौकरियां हैं। वही रही राहुल गांधी जी की बात, युवाओं के लिए वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, खुद की तो यात्रा निकाल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, हमें न्याय कौन दिलाएगा ये बताएं। अब हमारे पास यही रास्ता है, 1 महीने तक हम यहाँ अनशन चलेंगे, जैसे ही आचार संहिता लागू होगी हम यहाँ से अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली तक, और उस न्याय यात्रा में युवा होंगे, कमीशन बंद है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पेंडिंग रिजल्ट है वो सभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें।